इंडियन एयरफोर्स वायुसेना का मिग 21 लड़ाकू विमान क्रैश, राजस्थान के बाड़मेर में हुआ हादसा। अहमदाबाद विस्फोट, गुजरात हाईकोर्ट ने 38 दोषियों को दी गई मौत की सजा की पुष्टि के मामले को स्वीकार किया। इंडियन रेलवे, देश के 199 स्टेशनों पर लगेगा बम डिटेक्शन सिस्टम, खर्च होंगे 322 करोड़ रुपए। कोलकाता, दुर्घटना से बची इंडिगो की फ्लाइट, टेक ऑफ से पहले रनवे पर ही फिसल गया विमान। तेलंगाना के कोल्लापुर में एक साथ 5 श्रमिकों की मौत से हड़कंप मच गया है। अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन साइट पर 5 श्रमिकों के शव मिले हैं। पुलिस के मुताबिक यहां की एक अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन साइट पर 5 युवकों को जमीन के 100 मीटर नीचे पड़े पाया गया। उनके शरीर पर चोट के भी निशान थे, कोल्लापुर पुलिस इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी ने बताया। घटना गुरुवार देर रात की है। कर्नाटका, मंगलुरु में युवक की हत्या, धारा 144 लागू, मुस्लिमों को घरों में नमाज पढ़ने का निर्देश। 2 दिन पूर्व दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्लारे में एक भाजपा नेता को भी इसी तरह सरेआम धारदार हथियारों से गला रेतकर मार डाला था। बेंगलुरु, हमारे लिए सभी घटनाएं समान हैं और लोगों का जीवन हमारे लिए कीमती है। हम तीनों हत्या मामलों में कड़ी कार्रवाई करेंगे। जब भी आवश्यक होगा हम कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करेंगे। यह यूपी मॉडल या कर्नाटक मॉडल हो सकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। जम्मू कश्मीर, भारतीय सेना की इंजीनियर इकाई ने पुंछ में चांडक गांव के पास अचानक आई बाढ़ में फंसे 4 स्थानीय लोगों को बचाया। केरल, एर्नाकुलम जिले के कीझिल्लम में 2 मंजिला मकान का ग्राउंड फ्लोर गिरने से 13 वर्षीय एक लड़के की मौत हो गई। जब मकान गिरा तो मृतक सो रहा था, 85 वर्षीय उसके दादा अस्पताल में भर्ती हैं। तमिलनाडु, अन्ना विश्वविद्यालय में 42वें दीक्षांत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को डिग्री प्रदान की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैप्पीनेस उत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। हैप्पीनेस उत्सव दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। आज धरने का 3रा दिन है और हम संसद परिसर में बैठे हैं। गुजरात में जहरीली शराब पीने से 70 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसी गुजरात में भाजपा का राज है। यही मुद्दा मैं सदन में उठाना चाहता था लेकिन मुझे निलंबित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह।